हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल ब्लॉग्स विद शालिनी। आज इस वीडियो में मैं सबसे यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ हिमालय डैमेज रिपेयर प्रोटीन शैम्पू और कंडीशनर का ओवरऑल रिव्यू। तो ये जो हमारा शैम्पू है ये कैसा है, और साथ ही साथ मैं आपसे यहाँ पे इसके कंडीशनर के बारे में भी शेयर करने वाली हूँ। तो फुल डिटेल इस वीडियो में मैं आज सबसे यहाँ पे शेयर करूँगी, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। यह है हमारा हिमालय का डैमेज रिपेयर प्रोटीन शैम्पू। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये हमारा हिमालय का डैमेज रिपेयर प्रोटीन शैम्पू है। तो हिमालय के कई वैरायटी में यहाँ पे शैम्पू आते हैं। तो कई सारे शैम्पू का रिव्यू ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आप सबसे यहाँ पे शेयर कर रही हूँ हिमालय के डैमेज रिपेयर प्रोटीन शैम्पू का रिव्यू, जो कि बीच आलमंड्स के साथ आ जाता है, जो हमारे बालों को अच्छे से यहाँ पे हेल्दी करता है, बालों को यहाँ पे सॉफ्ट बनाने में करता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो हमारी पूरी बोतल है 400 ml की यहाँ पे बोतल आपको मिल जाती है। और ये जो बोतल है हमारी प्लास्टिक की यहाँ पर है, और इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा इसको डिटेल में बताया गया है, जो हमारा डैमेज रिपेयर प्रोटीन शैम्पू है कैसे हमारे बालों को अच्छा करता है, कैसे हमारे जो ड्राई बाल हो जाते हैं, जो फिजी बाल हो जाते हैं, उनको कैसे रिपेयर करने में ये हेल्प करता है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर मैंशन की गई है। इसमें आपको यहाँ पर बीच आलमंड्स मिल जाता है। तो बीच आलमंड्स क्या होता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी पाई जाती हैं, जो हमारे बालों को अच्छे से यहाँ पे शाइन लाती हैं हमारे बालों में, और साथ ही साथ बालों को हेल्दी बनाने में यहाँ पे ये हेल्प करता है। और इसके साथ इसमें आपको यहाँ पे चिकपिया भी मिल जाता है। तो चिकपिया क्या करता है, जो हमारे बालों में होता है उसको नरिश करने में ये हेल्प करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका यहाँ पे MRP मेंशन किया गया, साथ ही साथ इसकी पैकेजिंग डेट और एक्सपायरी डेट मेंशन की गई है। MRP आप यहाँ पर देख सकते हैं 255 इसका MRP मेंशन किया गया है। तो इसको मैंने फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन परचेज किया था, तो काफ़ी रिजनेबल प्राइस पर ये मुझे मिला। तो प्राइस मैं आप सबसे यहाँ पर स्क्रीन पर मैंशन कर दूँगी, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा ये हमारा शैम्पू हो जाता है। थोड़ा सा इस शैम्पू के हम डिटेल यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसमें आपको यहाँ पे बीच आलमंड्स मिल जाता है, जैसा मैंने आपको बताया। तो ये हमारे बालों को, जो हमारे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, उनको ये रिपेयर करने में हेल्प करता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हिमालय का हमारा डैमेज रिपेयर का प्रोटीन कंडीशनर है। जैसे कि हमारा ये शैम्पू हो जाता है डैमेज रिपेयर का, तो उसी वैरायटी का आपको यहाँ पे डैमेज रिपेयर का यहाँ पे प्रोटीन कंडीशनर भी आपको मिल जाता है। तो जब भी आप इस शैम्पू को यहाँ पे यूज़ करें, तो इसके कंडीशनर, जो इसका कंडीशनर आता है, उसी को यहाँ पे यूज़ करना चाहिए। तो हिमालय के जितने भी शैम्पू आते हैं, जितने भी वैरायटी के, उसके कंडीशनर भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये हमारी जो पूरी बोतल है 200 ml की यहाँ पे बोतल है, इसमें भी आपको यहाँ पे जो हमारा शैम्पू, ये कंडीशनर है, इसमें आपको यहाँ पे ये यारो के साथ मिल जाता है। तो यारो क्या है, बेसिकली हमारा एक प्लांट होता है, जो हमारे बालों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। हमारे जो डैमेज बाल होते हैं, जो हमारे बालों से शाइन चली जाती है, उनमें शाइन लाने में ये हेल्प करता है। तो काफ़ी अच्छा ये हमारा कंडीशनर हो जाता है। तो यहाँ पर आप इसका देख सकते हैं MRP यहाँ पे मेंशन किया गया है, साथ ही साथ पैकेजिंग डेट और एक्सपायरी डेट यहाँ पे मेंशन की गई है। तो काफ़ी अच्छा ये हमारा शैम्पू हो जाता है। अगर बात करूँ मैं इसके फ्रेग्रेंस की, तो इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो काफ़ी लाइट होती है और काफ़ी अच्छा होता है। तो हमारा जो कंडीशनर है ये, और जो हमारा इसका हिमालय का डैमेज रिपेयर शैम्पू है, दोनों काफ़ी अच्छे होते हैं। मैंने यहाँ पर इसको यूज़ किया है, देन मैं सबसे यहाँ पर इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। तो जो हमारा शैम्पू है, इसमें आपको यहाँ पे चिकपिया इसमें मिल जाता है। तो चिकपिया क्या होता है, ये प्रोटीन का सोर्स होता है। इसमें रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं, जो हमारे बालों को अच्छे से यहाँ पे उनको नरिश करने में, उनको उनमें शाइन लाने में हेल्प करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके के बॉटल में आता है। तभी मैं आपको यहाँ पर जो हमारा ये शैम्पू है, इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ, इसका टेक्सचर किस तरीके से है। तो बहुत ही लाइट यहाँ पर इसका टेक्सचर होता है, बहुत ही जल्दी जैसे कि अभी जब हम शैम्पू करते हैं, इसको हमें डायरेक्ट शैम्पू अपने बालों पे नहीं अप्लाई करना चाहिए। तो इसको हम पानी में डालकर अच्छे से मिक्स करके हमें अप्लाई करना चाहिए। तो बहुत ही जल्दी ये पानी के साथ मिल जाता है, और साथ ही साथ अच्छे से बालों को क्लीन भी करता है। और इसकी जो फ्रेग्रेंस है, बहुत ही लाइट रहती है, और साथ ही साथ ये हमारा जो शैम्पू है, ये भी काफ़ी लाइट है। बात करें इसके कंडीशनर की, तो कंडीशनर भी इसका काफ़ी अच्छा यहाँ पर हो जाता है। और इसमें आपको जो इसका, जो अभी मैं आपको यहाँ पर इसका टेक्सचर दिखाऊंगी, तो इसका टेक्सचर जो काफ़ी यहाँ पे थिक होता है, तो अच्छे से बालों पे अप्लाई हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आपको क्रीमी सा यहाँ पर टेक्सचर आपको देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छा होता है ये हमारा, जो हमारा कंडीशनर है। और ये हमारा जो कंडीशनर है, ये सभी ऑल हेयर टाइप के लिए है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका टेक्सचर कुछ इस तरीके से है। तो काफ़ी अच्छा ये हमारा शैम्पू और कंडीशनर हो जाता है।
तो फ्रेंड्स ये था आज का मेरा वीडियो। वीडियो आप सबको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।